हेलो फ्रेंड्स, तो मेटामॉर्फिक एंड थर्मोडायनामिक्स लेक्चर सीरीज के थर्ड वीडियो का आप सबका स्वागत है। आई एम रियली सॉरी फॉर द लेट पोस्ट, बट आई वॉज एक्चुअली क्वाइट बिजी इन माई रिसर्च वर्क, सो आई कुड नॉट फाइंड एनी टाइम टू मेक वीडियोज, बट फाइनली द वीडियो इज़ हियर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मैक्सवेल रिलेशन के ऊपर। तो मैक्सवेल रिलेशन के बारे में पढ़ने से पहले मैं बस जो सेकेंड वीडियो का एक रिकैप कर लेता हूँ, एक रिवीजन कर लेता हूँ। तो ओवरऑली हम लोग सेकेंड वीडियो में ये पढ़े थे कि ये जो चार वेरिएबल्स हैं यू एच एफ एंड जी जो है उसको उसके बीच में कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो ये सबसे एक ईजिएस्ट मेथड मैंने जो आपको बताया था, तो मैं फिर से इसको कर लेता हूँ। तो इधर से हमको ओके यू माइनस टी एस इज इक्वल टू एफ, उसी तरह एच माइनस टी एस इज इक्वल टू जी, और क्या क्या होगा यू प्लस पी वी इज इक्वल टू एच एंड एफ प्लस पी वी इज इक्वल टू जी। तो ये हम पढ़े थे, बस मैंने एक वो एक रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि जो यू एच एफ और जो जी है उसको प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम एंड एंट्रोपी के फॉर्म में लाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैक्सवेल रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है जो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे वो क्या था कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, यही था ना। तो अभी डी क्यू को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ टी डी एस से, क्योंकि हम लोग को पता है डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। सो डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस डी क्यू को कैसे लिख सकते हैं पी डी वी, प्रेशर इंटू जो वॉल्यूम का डिफरेंस है वो हो गया वर्क डन। तो डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, एक इक्वेशन हम लोगों का हो गया, यू का हो गया एक का। देन लोग एच को, सो एच इज इक्वल टू क्या है यू प्लस पी वी, फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अभी क्या करना है कि जो डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी है इसको हम लोग को ट्रांसफ़र करना है। कैसे करना है कि फर्स्ट इक्वेशन देखिए कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, सो डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी, मतलब डी डब्ल्यू को मैंने रिप्लेस कर लिया पी डी वी से। तो अभी क्या करूँगा इसको अगर इस साइड ले आऊँगा तो डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ जो डी यू प्लस पी डी वी है इसको रिप्लेस कर देता हूँ डी क्यू से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा डी क्यू प्लस वी डी पी, लेकिन हम लोगों को पता है डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। ओके, तो एच का भी हो गया, अभी एच का हो गया, ये हो गया हम लोगों का सेकेंड इक्वेशन। ओके, अभी क्या है जी है, तो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, हम लोगों को पता है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। सो अभी डी जी क्या होगा डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो टी डी एस जो है वो तो हो जाएगा डी क्यू, मतलब डी एच माइनस डी क्यू माइनस एस डी टी। अभी क्या करना है कि
सेकेंड इक्वेशन को देखिए, ये वाला इक्वेशन देखिए। इधर हम लोग क्या डिराइव किए हैं, डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। तो ये टी डी एस क्या है, डी क्यू ही है। तो डी एच माइनस डी क्यू, मतलब इसको इस साइड ले आया, इज इक्वल टू वी डी पी। तो डी एच माइनस डी क्यू इज इक्वल टू वी डी पी। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, वी डी पी माइनस एस टी टी। ये जो इक्वेशन है मैंने सेकेंड वीडियो में डिराइव किया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको फिर से दोबारा कर लिया है। ओके, तो ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन। ओके, देन मेरा फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू, एफ क्या है, एफ इज इक्वल टू यू माइनस डी एस। एफ इज इक्वल टू यू माइनस डी एस। तो डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, देन अभी क्या करना है, इसको भी हम लोगों को ट्रांसफ़र करना है। तो टी डी एस क्या हो जाएगा, डी क्यू। सो डी यू माइनस डी क्यू माइनस एस डी टी। अब हम लोगों को ये पता है कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो डी यू, अगर डी क्यू को इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, डी यू माइनस डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। ओके, तो डी यू माइनस डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू क्या है, पी डी वी, लेकिन माइनस है तो माइनस, सॉरी माइनस पी डी वी। ठीक है, तो डी यू माइनस डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ये हो गया मेरा फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अभी मेरे पास चार इक्वेशंस हैं, तो चार इक्वेशन से मुझे मैक्सवेल रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन कहाँ गया मेरा, हाँ ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन। बस सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अगर अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पता है, वरना अगर नहीं पता है तो आप इंटरनेट से या कोई भी किताब से उसका जो बेसिक फंडा है वो आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग मैक्सवेल का जो रिलेशन है वो डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोगों को क्या मिला है, ये है डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, तो मैं अगर ये जो डी यू का डिफरेंशियल फॉर्म लिखूंगा तो वो कुछ इस तरह से होगा इक्वेशन, कि डी यू इज इक्वल टू डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एस, दिस वन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी प्लस, सॉरी इनटू डी एस प्लस डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस इंटू डी वी। ठीक है, तो ये इक्वेशन वन हो गया और ये इक्वेशन टू हो गया। अब क्या करना है कि ये दोनों का अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि डी, अगर ये जो ऊपर का जो इक्वेशन और नीचे का जो इक्वेशन है वो अगर सेम है तो इधर से हम लोग को क्या पता चलता है कि डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू टेम्परेचर। ठीक है ना, क्योंकि अगर इसका जो फर्स्ट जो टर्म है इसके फर्स्ट टर्म के साथ अगर वो इक्वल है तो इधर तो डी एस है, इधर डी एस है, वो कैंसिल हो गया। अभी क्या होगा, डेल यू बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू टी, एंड इधर से क्या होगा, डेल यू बाय डेल वी
at constant s is equal to minus p. ठीक है, अच्छा अभी इसको मैं फिर से भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि डेल टी डिवाइडेड बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू यू, या तो फिर माइनस डेल पी डिवाइडेड बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू यू। ठीक है, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अभी क्या है, u और u तो सेम है, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, डेल टी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाय डेल एस कॉन्स्टेंट वी। ये हो गया मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल रिलेशन का ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, जो हम लोगों को डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी से मिला है। ठीक है, उस तरह से हम लोग सेकेंड का भी करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या था, सेकेंड इक्वेशन ये था कि डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, टी डी एस प्लस वी डी पी। तो इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म कैसे होगा, डी एच इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल एस कॉन्स्टेंट पी इंटू डी एस प्लस डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस इंटू डी पी। सिमिलर ही हम लोगों को करना है। तो अभी इधर से हम लोगों को क्या मिलता है, डेल एच बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू टी, एंड डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू वी। अभी इसको हम फिर से अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, डेल टी बाय डेल पी कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू एच, या तो फिर डेल वी डिवाइडेड बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू एच। तो जो सेकंड रिलेशन है वो क्या बताता है, डेल टी बाय डेल पी कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एस कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, अब आएगा थर्ड रिलेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या था, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, वी डी पी माइनस एस डी टी। तो डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो इसको सिमिलर हम लोग को ट्रांसफर करना है। सो डी जी इज इक्वल टू डेल जी बाय डेल पी कॉन्स्टेंट टी इंटू डी पी प्लस डेल जी बाय डेल टी कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी। सो क्या होगा, डेल जी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वॉल्यूम, एंड डेल जी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, अभी इसको फिर से ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, डेल वी बाय डेल टी कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू जी, और इधर क्या होगा, माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ डेल एस
by del P at constant T is equal to 0. तो क्या होगा, del V by del T constant P is equal to del S by del P constant T. ये हो गया मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन. सॉरी, ये नेगेटिव डेल एस बाय डेल पी है ना, तो इधर ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डेल एस बाय डेल पी कॉन्स्टेंट टी. ठीक है, अब ये हो गया थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल रिलेशन का थर्ड इक्वेशन. अच्छा, तो फोर्थ हम लोगों को क्या मिला था, फोर्थ वाला कहाँ गया, कहाँ गया, डी एफ, डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी. ठीक है, तो वही अगर सेम करेंगे तो क्या होगा, आप लोग भी ट्राई कीजिए. डी एफ इज इक्वल टू डेल एफ by del V at constant T into dV plus del F by del T constant V into dT. तो क्या मिला हमें, del F by del V at constant T is equal to minus P and del F by del t at constant v is equal to minus s. ठीक है, इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल एस बाय डेल वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. सो नेगेटिव नेगेटिव अगर हम लोग कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, डेल पी बाय डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ये इक्वेशन कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है, कि शायद ये इक्वेशन कहीं देखा है कि या गेट में या नेट में कहीं, तो ये इक्वेशन को मैंने देखा है. याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, यही तो पढ़ते हैं हम लोग, कि अगर हम लोग, मैं इधर से डिफरेंशियल हटा देता हूँ तो क्या होगा, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डी एस बाई डी वी, और डी एस बाई डी वी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, डेल एस बाई डेल वी. यही तो हम लोग पढ़े थे ना, कोई भी मेटामॉर्फिक का जो कर्व वगैरह वो रहता है, अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट इसको डिवाइड करके पता लगा सकते हैं कि इसका जो प्रेशर टेम्परेचर स्पेस में इसका क्या हो सकता है. एक क्वेश्चन शायद आया था 2018 में, गेट में शायद एक आया था, ज़्यादातर बच्चे वही जिसको जिनको पता नहीं था कि क्लॉसियस कैपलन इक्वेशन क्या है, वो नॉर्मली सोच रहे थे बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था. तो ये है मैक्सवेल रिलेशन, जो चार इक्वेशन आप लोग भी डिराइव कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बाद जो आएगा थोड़ा वो हायर ऑर्डर थर्मोडायनेमिक्स होगा जो फोर्थ लेक्चर से. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड वीडियो एज क्विक एज सुन एज पॉसिबल. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू.